अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं फूड प्रोसेसर खरीदने, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। हमने कहाँ से ख़रीदा और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ ये वीडियो में आपको देखने मिलेगा, तो बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए देख लेते हैं हमने कहाँ से ख़रीदा है इसको। तो ये शॉप में ये आरती मैम थे वहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया है और इनके बोलने पे वो वाला फूड प्रोसेसर हमने ख़रीदा जो स्टार्ट में आपने बॉक्स तो देख ही लिया होगा फ्रेंड। तो बने रहिएगा, आगे भी आपको देखने मिलेगा। तो ये वाला हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, फिर फाइनल हमने वही कर लिया है और वो भी बहुत अच्छा है। तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिएगा, आपको हम कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा पहली बार वो भी आपको बताएँगे। थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा हो चुका है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत मज़ेदार है, आपके साथ शेयर करना तो बनता है फ्रेंड्स, हमारी हर खुशी आपके साथ तो शेयर होती है। तो बने रहिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो हमें ये वाला भी पसंद आया था, लेकिन वो भी बेस्ट है किचन के लिए, ऐसे भी इसमें भी सब काम हो जाते हैं और उसके अंदर भी सब हो जाएंगे ईज़िली, और थोड़ा बहुत मतलब समझने में टाइम मतलब लगेगा। उन्होंने बोले थे हमें जो मतलब वो आए थे ना कंपनी से डेमो के लिए, तो उन्होंने बोला समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली समझ में आ चुका है हमारे और बहुत अच्छे से मतलब हमने किया है फर्स्ट टाइम में। तो बने रहिएगा, आपको देखने मिलेगा कैसे हमने इसके अंदर चॉपिंग की, कैसा क्या क्या किया है, तो वो सब देख लीजिए। और ये शॉप बहुत अच्छी शॉप है और हमारे घर के करीब है, हमारी वॉशिंग मशीन टीवी फ्रिज सब कुछ यहीं का है और बहुत अच्छा होता है, हम यहीं से लेते हैं और पास में ही मतलब है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारे घर के करीब ही है। तो ये शॉप हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और यहीं से मतलब हम सब कुछ यहीं से लेते हैं और हमारा फ्रिज यहीं का है, वॉशिंग मशीन यहीं की है, टीवी भी यहीं की है, तो सब कुछ हम यहीं से यही वाली शॉप से हमने सब ख़रीदा है। तो क्यों ना हम सोचे कि फूड प्रोसेसर भी यहीं से ख़रीदा जाए, तो सब कुछ एक ही मतलब शॉप का रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा भी होता है फ्रेंड्स, हर चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई चीज़ ख़राब हुई है। तो आरती मैम ने हमें समझाया है कि ये वाला मतलब अच्छे से उन्होंने समझाया है कि ये वाला फूड प्रोसेसर ही ख़रीदी अच्छा है, मतलब 1000 पावर की उसकी मोटर है क्या पता नहीं, हमें तो इतना कुछ जानकारी नहीं है, तो वो हिसाब से मतलब समझ में आया है हमारे हस्बैंड के भी, तो उनके बोलने पे ही मतलब लिया है कि अच्छा है, मतलब उसकी मोटर वगैरह जो भी होती है ना फ्रेंड वो अच्छी है, तो वो हिसाब से उन्होंने समझाया है, तो अच्छे से समझ में भी आया, तो वही वाला हमने फिर मतलब फ़ाइनल कर लिया है, ये वाला आप देख सकते हो। और हमने भी फर्स्ट टाइम ही ख़रीदा है, देखते हैं कैसा मतलब आगे आगे जैसे जैसे मतलब हम यूज़ करेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था वो भी हम बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, देखने मिलेगा आपको। तो आरती जी ने हमें जो बॉक्स अरेंज करके दिया है ना, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, जो चॉपिंग की बिलेटें वगैरह रहेगी ना तो वो उसके अंदर रहेगी और बहुत अच्छे से मतलब एक साथ में रहेगी, बहुत ही अच्छा लगा हमें, इतना ज़्यादा अच्छा लगा वो वाला बॉक्स, वो बाद में आया था, आरती जी ने हमें अरेंज करके दिया है, हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा, क्योंकि दोनों सेम बॉक्स है, सेम सब कुछ उसके ऊपर है, क्वालिटी इतनी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आरती जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। तो आरती जी ने जितना वक्त बोला था वो बॉक्स में उतने वक्त में वो आ गया था, तो वो भी बहुत अच्छा लगा हमें, आरती जी ने कॉल करके फिर बुलाया, तो हस्बैंड हमारे चले गए थे लेने के लिए लेकिन आरती जी नहीं थे वहाँ पर, तो किसी और ने उन्हें दिया है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आरती जी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्वालिटी वगैरह सब कुछ इतना अच्छा लगा, जैसा मतलब फूड प्रोसेसर है उसकी क्वालिटी अच्छी है, जैसे इसकी भी क्वालिटी वैसी है, सेम सब कुछ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड्स, हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, इतनी खुशी हुई ना, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई हमें। तो ये डेमो देने के लिए दूसरे या तीसरे दिन आए थे ये भाई, तो ये हमने शूट किया था आप लोगों के लिए ही, इनकी रियल आवाज़ भी हमने थोड़ी रहने दी है, वो मतलब समझा रहे थे वो भी रहने दिया हमने, तो यहाँ पर इसकी पैकिंग वगैरह भी इतनी अच्छी है, तो वही थोड़ा बहुत हमने रहने दिया आप देख सकते हो। तो ये भैया सब कुछ यहाँ पर इस तरह से निकाल कर अरेंज कर रहे थे, यहाँ पर रख रहे थे इस तरह से, और फिर बाद में उन्होंने हमें समझाया है मतलब इसे कैसे यूज़ करना है क्या करना है, तो वो भी हमने उनका रियल आवाज़ रहने दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो कितने मतलब अच्छे से मतलब इसके अंदर हर एक चीज़ पॉलीथिन में है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, बहुत ही ज़्यादा हमें खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, तो हमारी खुशी आपके साथ शेयर करना तो बनता है फ्रेंड्स। और ये वाला बॉक्स है, सब चॉपिंग की बिलेटें वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगी, और इसकी भी पैकिंग वगैरह आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये भी आया है,
और ये जैसे मतलब जितने टाइम में आरती जी ने बोला था उतने टाइम में ये आ चुका था। तो यहाँ पर हमारे बेटा यहाँ पर इसको खोल कर आपको दिखा रहा है। इसकी क्वालिटी वगैरह भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो ये हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ में ये हमें मिला है, नहीं तो फिर ये अलग से हमें लेना होता था। और फिर ये इतना अच्छा लगा ना हमें, क्योंकि सब बिलेटें इसके अंदर आसानी से आ जाएगी और हमें कहीं पर रखने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ में सब कुछ मिल जाएगा। इधर उधर रखेंगे तो फिर ऐसा होता है ना, ढूंढना पड़ता है फ्रेंड्स, तो एक ही साथ में ये रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो ये ज़्यादा बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। आप देख सकते हो हर चीज़ इसके अंदर आराम से इजीली आ जाती है, सब कुछ इसके अंदर दिया है आप देख सकते हो। और ये इसके साथ में ही आया है, आप देख सकते हो केक बेटर के लिए ये इसके साथ में ही आया है, ये बॉक्स के साथ में आया है, ये आप देख सकते हो आपके सामने ही खोल कर दिखा रहे हैं, ये बॉक्स के साथ में आया है, बाकी और कुछ नहीं है। जो भी ब्लेडर रहेगी फूड प्रोसेसर की तो वो इसके अंदर आ जाएगी। बस ये केक बेटर के लिए ये हमें चाहिए था, तो ये भी इसके अंदर हमें आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई हमें। तो ये इसको इस तरह से यहाँ पर अरेंज करना है, देख सकते हो आप इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा और बॉक्स के अंदर इजीली ये भी रहेगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमने चॉपिंग की बिलेटें रख दी है और इस तरह से ये आटा गूंथते इससे, और ये चॉपिंग का है बिलेट आप देख सकते हो। तो सब कुछ इजीली इसके अंदर आ चुका है, देख लीजिए आप, और कितना अच्छा लग रहा है ना, एक ही जगह पर हर चीज़ हमें मिल जाएगी। और एक एक्स्ट्रा है यहाँ पर, अगर आपको और कुछ रखना है एक्स्ट्रा कुछ तो यहाँ पर हम रख सकते हैं और एक बिलेट। तो सभी बिलेटें यहाँ पर आ चुकी है, आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। नहीं तो सब अलग अलग रखना होता, कोई चीज़ किधर हो जाएगी ना, तो फिर ढूंढना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा हमें अच्छा लगा है। तो देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये साथ में नहीं आता है, मतलब ये आरती जी ने हमें अलग से मतलब अरेंज करके दिया है। तो ये देख लीजिए सब कुछ इसके अंदर इजीली हमने रख दिया है, और इसको अच्छे से मतलब ये बंद भी हो जाता है। और यहाँ पर हमारा बेटा आपको दिखा रहा है कि इसको इस तरह से यहाँ पर अरेंज करना है, और फिर जो भी केक वगैरह का डालना है बेटर, और इसका बेटर बन जाएगा इजीली ये जब हम उसके ऊपर रखेंगे, तो ये अच्छे से घूम कर मतलब अच्छे से केक का बेटर भी इसके अंदर तैयार हो जाएगा। तो किचन के बहुत काम ईजी होने वाले हैं, फटाफट होने वाले हैं, कुछ मिनटों में ही काम होने वाले हैं। इसके लिए हमें बहुत दिनों से ये लेना था, बहुत दिनों से लेना था, मतलब दिवाली के टाइम से हम देख रहे थे, वहाँ पर भी मॉल में गए थे तो यही सब हम देख रहे थे फ्रेंड, देखा भी होगा आपने। दिवाली के टाइम से हम इसको लेने की मतलब कोशिश में ही थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमने ले लिया है, फाइनल हमारे घर पर आ चुका है। और चलिए भाई कैसे हमें समझा रहे वो देख लेते हैं। एक लॉक सिस्टम है, सबसे पहले अपने लॉक सिस्टम सीखना, लॉक जब तक होगा नहीं चालू नहीं होगा। अभी जैसे आपको चटनी वगैरह पीसना है, जैसे हरी मिर्ची वगैरह पीसना है, तो उसको लगाने का तरीका कैसा है कि आप जैसा ये बैठ गए, इसको लगाने के बाद जो आपको घुमाना है, इसको थोड़ा पूरा घुमाना है, लॉक होना होगा, थोड़ा भी अगर नहीं होगा चालू नहीं होगा, लॉक पर ध्यान देना, पूरा घुमाना है उसमें। अभी ये तीनों जार का सेम है लगाने का तरीका, और ये तो मालूम है एक कॉमन घर में रहती है यार। ओके, अब इसमें अपने उस सिग्नल फूड प्रोसीजर में क्या काम करना है, जैसा आटा कैसा गूंथना है, कंपनी ने ये दिया है बॉल, इसको लगाना है, लगाना कैसा है इसको, इसका भी लॉक सिस्टम है, ये आपको क्रॉस दिख रहा है, हाँ ये हैंडल, ये इसके अपोजिट में लगाना है, और ये हैंडल को पकड़ के यहाँ लाना है आपको, यहाँ ला के लॉक करना है ना, ठीक है ना। अब इसमें आटा गूंथना है तो आटा गूंथने के लिए एक अटैचमेंट लगाना है आपको, ये फाइबर की ब्लेड का यूज़ होगा आटा गूंदने के लिए, ये फाइबर की ब्लेड को आपको यूज लगाना है बराबर। इसमें दो केप है, इसमें ये वाले केप का इस्तेमाल करना है जो ऊपर गया है, और एक केप उल्टा है नीचे गया है ना, ये जो डंडी है एक की नीचे गई एक की ऊपर है ना, इसमें भी जब तक लॉक नहीं करेंगे चालू नहीं होगा, जो आपने यहाँ लॉक कर दिया पर चालू नहीं होगा, ये लॉक करना है, ये क्रॉस दिख रहा है आपको, उसके अपोजिट पर लगाना है, और ये लाके यहाँ लॉक करना है ना। इसमें मिनिमम आप एक टेम में 250 से 300 ग्राम आटा गूंथ सकते हैं, जैसे आपने 250 ग्राम आटा डाल दिए, हाथ में वाटर लेना है उसको घुमाना है, थोड़ा थोड़ा वाटर डालते रहना, तो आपके यहाँ से मालूम पड़ेगा कितना हार्ड मांगता है सॉफ्ट मांगता है। एक टेम आपने 250 300 ग्राम का वाटर का माप ले लेंगे तो आपको कंटिन्यू आदत सी पड़ जाएगी, तब पानी लेके आप कर सकते हैं ना। सबसे पहले केप निकालना है, उसके बाद ये निकालना है, डायरेक्ट ये नहीं निकालना, पहले केप निकालना है ना। अभी ये आटा गूंदने का तरीका आपको बताया मैंने, अब जैसे कि अपने घर में कोई फंक्शन रहेगा, बिरयानी पुलाव वगैरह बनता है, उसमें कांदा वगैरह जास्ती चॉप करना पड़ता है, टमाटर करना पड़ता है आधा किलो पौना किलो, तो ये स्टेनलेस स्टील ब्लेड दिया इससे आप कर सकते हैं चॉप, इसको भी डायरेक्ट ऐसे ही रखना है और वैसे ही लॉक करना है, जैसे आपको ये बताया था मैंने, लॉक हो गया,
जूता घुमाएंगे, जूता आपको मांगता है चौक, बारीक मांगता है, ज्यादा मांगता है या मीडियम मांगता है, इसमें से आपको दिखेगा वो हिसाब से आप कर सकते हैं इसमें। अब इसमें ना कंपनी ने तीन ब्लेड दिए, ये तीनों ब्लेड का क्या यूज है? एक तो ये फ्राई स्पाइस वगैरह आलू के जो फ्राई करते हैं ना वो कटिंग करके लंबा लंबा, उसके लिए ये, या फोपरा वगैरह हाथ से जो घसते थे, या दुधिया का हलवा बनाना है, गाजर का हलवा बनाना, आप इसके ऊपर कर सकते हैं, है ना। और जैसे कि अपने घर में सलाद वगैरह बनता है और आलू के भजिए वगैरह बनाना पड़ता है चिप्स काट के, ये कर सकते हैं। इसमें ना एक साइज दिया है, इसको आप घुमाएंगे, जितनी बड़ी चिप्स मांगता है वो हिसाब से आप रख सकते हैं इसको। इसको लगाने का रखने का तरीका कैसा है, इसको खाली रखना है, बस ऐसा रखना है, ये आलू कैप का इस्तेमाल करना है आपको, उसको वैसी ड्रॉप करना है। ये आलू आप डायरेक्ट भी डालेंगे इसमें, डाल दिए, ये पुशर, पुशर को रखना है ऐसा, इस पर थोड़ा वेट करना है, काफी चिप है ना। ये इसका इस्तेमाल करने का भी, ठीक है ना, ये तीनों ब्लेड का सेम इस्तेमाल है जैसे मैंने आपको बताया। इसमें खाली मटेरियल अलग अलग करेगा, बाकी लगाने का यूज करने का तरीका सेम है। अभी इसमें कंपनी ने ये कैप दी है, जैसे कि अपन संतरा वगैरह निचोड़ते हैं और नींबू वगैरह निचोड़ते हैं, वो निचोड़ने के लिए इसमें भी लॉक सिस्टम दिया है। ये आपको अटैचमेंट रखना है इसमें, ये क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस को अपोजिट में रख के लॉक करना है इसको, ये लॉक हो गया बराबर। अभी एक फल का दो टुकड़ा करके छिलटे के साथ में आपको फल पकड़ना है, पेनापल हो गया, कलिंगड़ हो गया, अनार वगैरह का जूस बनाना है। अभी अपन सादे मिक्सर में बनाते हैं तो उसको छानना पड़ता है छन्नी से, ये जो कैप दिया है कंपनी ने इसको छानने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आपको रखना है ये, और इसमें याले कैप का इस्तेमाल करना है, ये नीचे आला है, खाली इसके अंदर ही होगा याला नीचे, बाकी ये सब इसमें इस्तेमाल होगा। इसमें भी लॉक सिस्टम दिया है, इसको ऐसे लॉक करना है आपको। ये अभी आपको अनार का जूस बनाना है, अनार के दाने सफा करके आपने इसमें डाल दिए, ये पुशर को दबाना है और घुमाना है, तो इसके अंदर कैप के अंदर आपका छिलटा रहेगा, जूस नीचे आएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल के गिलास में पी सकते हैं। लॉक होना जरूरी है, लॉक नहीं होगा चलेगा नहीं बाहर, अगर लॉक नहीं होगा चलेगा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे आइटम एक टाइम में समझ में नहीं आएगा, उसमें ना कंपनी ने कैटलॉग दिए तो आप कैटलॉग का भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा दिया है नंबर के साथ में कौन सा पार्ट कैसे करना है, ठीक है। अगर इससे नहीं जमेगा तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे ये मॉडल, तो उस पर भी डेमो बताया आपको, वहाँ से भी इजी पड़ेगा, तो आपको एक एक टाइम में एक एक सीखना पड़ेगा, ये आइटम बहुत सारे आइटम है ना। इसके अलावा और कुछ जानना है आपको? खाने के बाद हमने आलू के यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज इस तरह से इसके अंदर बनाए, इतने अच्छे से ये तैयार हो चुके थे आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने टमाटर की स्लाइस कर लिए, आलू की स्लाइस कर लिए, प्याज की स्लाइस कर ली है भी है तो वो भी चॉप कर लिया, और यहाँ पर हम आटा भी आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है इसके अंदर। तो पहले हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, ये फर्स्ट टाइम का, जैसे वो भैया मतलब चले गए उसके बाद हमने किया है ये, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है आप देख सकते हो। लॉक हो जाएगा तो हमें पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन आटा जब इकट्ठा होने लग जाता है ना तो थोड़ा सा ये हिलने लग जाता है, तो हमें पकड़ना है इसे, दोनों हाथ से अच्छे से पकड़ लीजिए। जब ये इकट्ठा हो जाता है ना आटा, तो थोड़ा सा मतलब ये घूमने लग जाता है, हिलने लग जाता है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, नहीं तो ऊपर से हमें कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, लॉक हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देख रहे हो आप, आटा गूंथकर तैयार हो चुका है मिनटों में, तो बहुत अच्छा लगा हमें। वो भाई जाने के बाद हमने ये सब किया है, आटा गूंदा है, सब कुछ हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर देखा है। अभी हम देख रहे थे चिकन का कीमा इसके अंदर कैसे तैयार होता है, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो चिकन भी बहुत अच्छे से हमने धोकर लेकर आया, और इसके पीसेस भी अच्छे बड़े बड़े हैं, अच्छे से हमने लॉक कर दिया आप देख सकते हो। भाई ने कहा है कि लॉक होना चाहिए, लॉक नहीं होगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो ये अच्छे से हमारे समझ में आ गया था। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट टाइम ने इतने अच्छे से हुआ है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़्यादा हमें अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और चॉपिंग वगैरह के, कीमा वगैरह के लिए, आटा गूंदने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हमने लिया है, तो किचन के काम हमारे बहुत ईजी हो जाएंगे, बहुत वक्त हमारा बच जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा है कि फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है।
बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम इसे चला रहे, इतना अच्छा लगा कुछ ही सेकंड में, मतलब ये हो जा रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया मतलब देखा है कि इसमें होता है क्या, फाइन पाउडर बनता है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर चेक कर रहे थे। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह इसका पाउडर बन चुका है, आप देख सकते हो, और कुछ ही सेकंड में हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। और इसकी आवाज़ आपने रियल तो सुन ली होगी, भाई ने कैसे मतलब चालू करके वो दिखाया है, तो इतनी इसकी आवाज़ है, फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसका पाउडर भी तैयार किया है, ज़ीरा और धनिया का। यहाँ पर आटा गूंदा है, कीमा भी हमने बनाया है चिकन का, और ये सब चॉपिंग वगैरह भी हमने की है। बहुत अच्छा लगा हमें, फ़र्स्ट टाइम है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छा लगा, हमारे किचन के काम बहुत ईजिली अभी आसानी से हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, अब सब कुछ हमने आपके सामने रखा है, आप देख सकते हो, आलू टमाटर प्याज सब तरह इस तरह से हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, चॉपिंग वगैरह करके देखा है, स्लाइस करके देखा है, सब कुछ बेस्ट है, बहुत अच्छा लगा। धोकर हमने इस तरह से इसको फ़ैन के नीचे ड्राई करने के लिए रखा है, ड्राई हो जाएगा तो हम इसको अरेंज करके रख देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा, बॉक्स में स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, और इस तरह से हम इसको ड्राई करके मतलब अच्छे से अरेंज करके रख देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बहुत अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है कि अल्लाह पाक ने मतलब ये हम हमारे घर में ये आ गया, इतनी ज़्यादा खुशी है ना, बहुत बहुत अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी लेना है तो आप ज़रूर से लीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत इजीली हमारे किचन के काम हो जाएंगे, जूसेस वगैरह भी बन जाएंगे, हर चीज़ मतलब इजीली हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, आपके फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आई गए हो फ्रेंड तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो आपको इसी तरह के प्यारे प्यारे ब्लॉग अच्छी अच्छी रेसिपी हमारे चैनल पर देखने मिलेगी। और हमारा और एक चैनल है, उसका नाम है कुक विद नाज़िया, वहाँ उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर भी विजिट कीजिए, उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी आपका प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, वहाँ पर सिर्फ रेसिपी अपलोड करते हैं हम, वहाँ पर एक से बढ़कर एक रेसिपी आपको देखने मिल जाएगी, और वो चैनल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर से बताना फ्रेंड्स, आपके कमेंट का बेसब्री से हमें इंतज़ार होता है, हम इंतज़ार करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।